करने लगे हैं भला कि हेलो वर्ल्ड का सर्वर बना के उसको डिप्लॉय कर दिया है, साइक्लिक पे डिप्लॉय कर दिया है, गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया है। कोई अगर भाई नहीं था उस क्लास में तो उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन वो आपको कोर्स ख़त्म होने के बाद मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों से फ़िलहाल के लिए आप बात करके ना वो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो ना प्रोवाइड करने का मेन मकसद यही है कि आप क्लास में भाई आएँ, इधर फिज़िकल क्लास ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप घर पे बैठ के वीडियोस देखें। ठीक है, अटेंडेंस रेशो कम हो जाता है अगर वीडियो फ़ौरन दे दो तो। ये पिछले 3-4 सेक्शन में मैंने नोट किया, इसलिए आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जी। ये इसी हेलो वर्ल्ड का एक मैंने कॉपी बना के उसका नाम रख दिया क्रड ऑपरेशन, और इसके सर्वर डॉट एम जे एस की मैं फ़ाइल में आ जाता हूँ। ठीक है, और इस फाइल को ज़रा सा क्लीन कर लेते हैं। इसमें जो कमेंट्स वगैरह हैं, अब क्योंकि वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो उसकी आपको शायद अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्स वगैरह सारे मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या है जी, आपका वेरी बेसिक सर्वर है। ठीक है, अच्छा सर्वर की ज़रा हम अगर बात कर लें कि जी सर्वर हम कहते किस चीज़ को हैं, तो सर्वर हम उस चीज़ को कहते हैं जो सर्व करता है, राइट। ये हमने थ्योरी शायद पहले डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो 5 मिनट में ज़रा थ्योरी डिस्कस करके फिर हम इसमें ये क्रड ऑपरेशन का आगे चलाते हैं उसको। अच्छा, तो हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमें सर्व करता है, राइट। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके घर पे कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं, उसके रिक्वेस्ट को आप सर्व करते हैं। ठीक है, उसको खाना सर्व करते हैं, उसको पानी सर्व करते हैं, उसको आप अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, तो आप इस केस में क्या होते हैं, सर्वर होते हैं आप इस केस में। ठीक है, और आपके घर पे जो आया वो बंदा आपका गेस्ट होता है। ठीक है, गेस्ट होस्ट भी कहते हैं, या सर्वर और सर्वर के साथ पता नहीं क्या होता है बहरहाल। तो गेस्ट और होस्ट का जो ताल्लुक है ना, तो सर्वर हम ऐसी चीज़ को कहते हैं सर्व करने वाला। अंग्रेज़ी में सर्वर मतलब सर्व करने वाला, जो भी आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है, फुलफ़िल करता है वो बंदा। अच्छा, अब ये सर्वर जो हम कह रहे हैं, ये सर्वर क्या कोई हार्डवेयर है या कोई सॉफ्टवेयर है? तो इसका जवाब ये है कि भाई ये सर्वर जो है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सर्वर सर्वर इज़ नॉट अ हार्डवेयर। आमतौर पर ये मिसकंसेप्शन पाया जाता है लोगों में कि सर्वर शायद किसी हार्डवेयर को कहते हैं, शायद किसी सीपीयू, किसी मशीन को सर्वर कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सर्वर हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो किसी भी मशीन में चल रहा होता है। जाहिर है वो एक कंप्यूटर मशीन ही होगी, उसी में ही चलेगा। एक लेथ मशीन पर तो चल नहीं सकता सर्वर, तो सर्वर किसी कंप्यूटर पर ही रन होता है, लेकिन सर्वर असल में हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ठीक है, अच्छा वो सॉफ्टवेयर हम ये लिखा है हमने एक्सप्रेस पे, एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए वो सॉफ्टवेयर हमने छोटा सा बना के और होस्ट कर दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि एक मशीन पे एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर चल सकते हैं, तो एक ही मशीन पे एक से ज़्यादा सर्वर भी चल सकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि साइक्लिक पे जब आप डिप्लॉय करते हैं या गूगल क्लाउड पे आप डिप्लॉय करते हैं, तो गूगल क्लाउड आपके सर्वर को किसी अलग मशीन पे नहीं करता, बल्कि उनके पास मशीनें तो उनके पास बहुत सारी हैं, लेकिन हर मशीन की कैपेसिटी उनकी अच्छी खासी है। तो 200-200 GB रैम उनके एक कंप्यूटर में मौजूद है, तो वो क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर में हज़ारों की तादाद में वो सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, यानी हज़ारों की तादाद में वो सर्वर चला रहे होते हैं, जिनमें से आपका सर्वर भी हो सकता है एक अदद। ठीक है, तो अलग मशीन पे नहीं हो रहा होता वो। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि यार ये सर्वर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, तो ये हार्डवेयर के बारे में कैसे मशहूर हो गया कि ये सर्वर लोग कहने लगे हार्डवेयर को? क्योंकि आप कंप्यूटर की दुकान में जाते हैं अभी, तो वो आपसे कहता है कि यार ये सर्वर कंप्यूटर ले जाओ, 24 घंटे चलाओ इसको, कुछ नहीं होता है ना, सर्वर मशीन ले जाओ। अच्छा, तो सर्वर मशीन तो कोई चीज़ है नहीं, तो ये कैसे मशहूर हो गया? अच्छा, सर्वर मशीन के नाम से कंप्यूटर कंप्यूटर की कंपनियों ने लॉन्च किए हैं, इस वजह से मशहूर हो गया। क्या चक्कर हुआ है कि जब ये सर्वर का कॉन्सेप्ट नया नया आया, तो जाहिर है सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे रिक्वेस्ट आती है कहीं से,
ठीक है, अब वो 100 लोग भी हो सकते हैं, हज़ारों में भी हो सकते हैं, वो लाखों में भी हो सकते हैं। जैसे फेसबुक का सर्वर होगा, अब फेसबुक के पास खुद वो कहते हैं कि हमारे पास 2 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं, तो 2 बिलियन एक्टिव यूज़र का मतलब है कि 2 बिलियन रिक्वेस्ट आती होगी उनके पास, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। तो उस 2 बिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें कंप्यूटिंग पावर, ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर तो चल रहा है मशीन पे, लेकिन कंप्यूटिंग पावर भी तो चाहिए, हार्डवेयर की कैपेबिलिटी भी तो चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए आती है ना रिक्वेस्ट, तो यहाँ से मैं करता हूँ जब रिक्वेस्ट तो इंटरनेट के ज़रिए रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचती है, और उस मशीन के अंदर इतनी बैंडविड्थ होनी चाहिए कि वो मेरी रिक्वेस्ट को ले सके और जवाब भी दे सके, एट द सेम टाइम 2 बिलियन और भी लोग हैं उनको भी जवाब दे सके। तो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी का चक्कर शुरू हो गया। तो ये जितने भी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज थी ना, इन्होंने स्लोगन बनाना शुरू किया कि भाई हमारी मशीन आप लो, इस पे चलाओ आप सर्वर, हमारी जो है वो हार्डवेयर जो है हमारा वो हैवी किस्म का है हमारे पास, और इस पे ये इतना कैपेबल है कि इस पे सर्वर चलाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी सर्वर मशीन है ये, और आहिस्ता आहिस्ता जो कंप्यूटर की दुकान वाले हैं वो तो बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, हमारे यहाँ वैसे तो दुनिया भर में होते हैं, लेकिन वो दुनिया भर में भी क्या होते हैं, वो सेल्स के बंदे होते हैं असल में, उनको बस एक बात कहीं से सुन लेते हैं उसको वो रटते रहते हैं। सेल्स वाले पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, उनको कोई एक बात बता दी जाए ना बस उसी को घुमाते रहेंगे, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, बस उनको ये पता होता है अच्छा ये बोलने से माल बिक जाता है, बस वो ही बोलते हैं। तो वो बोलते बोलते ना सेल्स वालों ने घुमा घुमा के और इसको सर्वर बना दिया, हालांकि सर्वर किसी हार्डवेयर का नाम नहीं है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। आप इस क्लास के पार्ट हैं दोस्त? अच्छा गुड। अच्छा जी, तो ये बात हमें समझ आ गई कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है। अब अगली बात ये कि आपका जो सर्वर है, जी हाँ वो हाँ नहीं वो यही चक्कर है असल में। देखिए सर्वर रूम जो बना हुआ होता है ना उसमें मशीनें लगी होती हैं और उस मशीनों के अंदर सर्वर का सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है। अच्छा, जो कंपनीज में जो सर्वर रूम होता है ना उसकी भी हकीकत कुछ भी नहीं है, सही है। यहाँ पे भी इस इदारे में भी एक सर्वर रूम बना हुआ है, उधर गुलशन कैंपस में भी एक है ना, उसमें क्या चल रहा है उसमें इसके स्विच पड़े हुए हैं इंटरनेट के। तो मैं तो इधर जितने भी ये गुलशन वाले सर्वर रूम में भी गया हूँ, मैं यहाँ वाले पे भी गया हूँ, और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जो सर्वर रूम आमतौर पे बने होते हैं ना उसमें सर्वर तो चल भी नहीं रहा होता असल में, उसमें मशीनें पड़ी होती हैं, वो एक वो अलमारी सी आती है वो, हाँ वो अलमारी में ना वो यूँ स्विच का वो ऐसे ट्रे सा होता है, स्विच होता है वो डाल के उसको नट्स उसमें टाइट किया हुआ होता है। अब उस अलमारी में क्या होता है, पीछे पंखा वंखा लगा होता है, ज़रा वो अंदर एक्सटेंशन बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उसको कहते हैं सर्वर रूम, हालांकि वो सर्वर से उसका तो ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, फेसबुक के अंदर जो है ना उनका जो सर्वर रूम, वो अगर मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखा पाऊँ, सही है, तो वो इस तरह की बिल्डिंग है उनकी एक अच्छा फेसबुक की नहीं, सबकी, मतलब गूगल वगैरह और ये जितने भी, अच्छा इस तरह से उनके पास ना ये आप देखें अलमारियाँ लगी हुई हैं, और इसमें जो ये एक ट्रे है ना, ये ग्रीन कलर के हैंडल लगा हुआ है इसमें, ये एक ट्रे जो है वो एक मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड के अंदर रैम, प्रोसेसर और जो भी कार्ड वर्ड अगर चाहिए होता है कोई, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो पावर सप्लाईज़ लगी हुई हैं, ये पावर सप्लाईज़ हैं, ठीक है, तो इससे सबको पावर मिली हुई है, इस तरह करके इन्होंने बनाया होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ना जो क्या लिखूंगा मैं, इंडस्ट्री ग्रेड सर्वर, वो इस तरह के होते हैं कुछ, ये देख रहे हो, ये पूरे कंप्यूटर हैं, पूरा सीपीयू है ये, इंडस्ट्री ग्रेड है ये, लेकिन ठीक है इस तरह का होता है ये। अब इसके अंदर अगर आप झांको ना, इस ट्रे के अंदर, ये वो एक ट्रे है जो अलमारी के अंदर लगी हुई है, ये ट्रे के अंदर ये है, सही है। इसमें देखो ये PCI स्लॉट्स लगे हुए हैं, 2 प्रोसेसर लगा हुआ है, 3 और 3 6 और 3 9 3 12 रैम लगी हुई है टोटल, हाँ तो ये इंडस्ट्री ग्रेड है। अब ये क्या होता है, इसको इस हिसाब से बनाया ना, ये पूरा ऐसे ट्रे उठा के उस अलमारी के अंदर डाल देते हैं, तो असल में तो वो होता है। अब हमारे वालों ने ना
हमारे वालों ने इसमें स्विच लगाया है बस, ये इंडस्ट्री ग्रेड है, छोटे छोटे होते हैं ये, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता इसका। देखो ट्रे की शक्ल में इसको बनाया जाता है ताकि हाँ वर्क स्टेशन तो चलो वो एक आध के लिए होता है, लेकिन ये कि भाई देखो ना इस एक अलमारी के अंदर कम से कम 20-20 तो पड़े हुए हैं। ये देख रहे हो, इसको अगर करीब से देखो, ये हैंडल लगा हुआ है दोनों साइडों पे, इसको यूं खींच के बाहर निकाल लेता है। अच्छा, और ये जो ब्लू कलर का ना 1 2 3 4 5 ये क्या चीज़ है, इसको कहते हैं हम, ये हार्ड ड्राइव्स हैं असल में ये, ठीक है, ये ना 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये जो ये हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं इसमें, इसको हम कहते हैं हॉट हॉट स्वैप कहते हैं इसको शायद, कि जी चलते हुए मशीन में से ना आप, अच्छा ये 5 हार्ड ड्राइव हैं इस वजह से वो रेड 5 इसमें चला रहे हैं। अब अगर रेड 5 नहीं पता तो अलग से गूगल कीजिएगा क्या होता है। रेड 5 में ये होता है कि 5 हार्ड ड्राइव होती है, किसी एक अगर चलते हुए ख़राब हो गई ना तो डेटा लूज़ नहीं होता, तो वो एक को टक करके आप हैंडल पकड़ते हैं इसका, ये छोटा सा जो लगा हुआ है प्लास्टिक का, इसको आप यूँ घुमाते हैं टक करके बाहर निकालते हैं और उसकी जगह दूसरा डाल देते हैं, दैट्स इट। तो ये हॉट स्वैप होता है, ये आमतौर पर आपको, हाँ नहीं नहीं ये हार्ड ड्राइव ख़राब भी हो जाए ना अगर, कुछ नहीं होता। रेड 5 अब एक चीज़ है, उसको अलग से पढ़ना क्या होता है, वो इसको यूँ निकालते हैं बाहर और उसको ट्रैश कर देते हैं, कि वो मशीन होती है उसको ट्रैश करने वाली, और दूसरा उसमें नया हार्ड ड्राइव लगा देते हैं, दैट्स इट, समझ लो। अब ये चीज़ पर्सनल कंप्यूटर में सेंस नहीं, मतलब मेरे लैपटॉप में अगर ये हो, 4 हार्ड ड्राइवें लगी हैं इधर से एक को, तो ये तो स्लिम स्मार्ट चाहिए होता है ना यार, कि छोटा सा हो, लाइट वेट हो और बैटरी टाइमिंग हो, ये चीज़ें पर्सनल कंप्यूटर में, ये पर्सनल कंप्यूटर में चीज़ें सेंस नहीं बनती। अब यहाँ पे देखो हज़ारों की तादाद में ये है, कितना सारा है ये, और इन सब में हज़ारों की तादाद में हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इनके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, एक डैशबोर्ड होता है, इसमें दिख रहा होता है अच्छा जी ये फला जगह वाली हार्ड ड्राइव ना स्लो हो रही है, रिस्पॉन्स टाइम इसका बढ़ता चला जा रहा है, तो वो एक सर्टन उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा होता है कि यार इतना रिस्पॉन्स टाइम जब हो जाएगा ना तो हम फिर उसको ट्रैश कर देंगे। तो ये इंडस्ट्री ग्रेड कंप्यूटर्स हैं। ये देखो इसमें भी हार्ड स्वैप लगा हुआ है, यहाँ पे 3 हार्ड ड्राइव हैं इसके अंदर, रेड 1 से लेकर रेड 5 तक की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, उसमें किसी एक पे ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमारे जैसे होता है ना, हमारे यहाँ अभी मैंने पिछले दिनों देखा, पता नहीं किसी के साथ में बैठा कार पे, पता नहीं ऊबर पे बैठा शायद, उसमें ना जो डैशबोर्ड है ना उसका, जो डैशबोर्ड पे स्क्रीन लगी होती है उसमें ना कार बनी हुई है ऐसे ना यूँ, और जा रही है वो कार, चले जा रही है ना सीधी, मतलब। अब मैं यार सोच रहा हूँ ये क्या इन्होंने सेंस बनाया है, वो चाइना के आपको पता है डैशबोर्ड सिस्टम्स होते हैं सारे, तो वो उस तरह का कोई लगा हुआ था, तो मैंने बोला यार ये क्या इसने लगाया यार। अच्छा मैं बार बार उसको देख रहा हूँ, बार बार मेरी नज़र उस पर जा रही है, कार सीधी जाए जा रही है, और उसका मतलब कुछ स्पीड भी शो नहीं हो रहा, मतलब ऐसा हो ना कि गाड़ी रुके तो वो भी रुक जाए, तो कुछ सेंस बने। वो जस्ट एक जिफ एनिमेशन थी जो उस पर लगी हुई थी, वो क्यों लगाई हुई थी उसने, वो टेस्ला के डैशबोर्ड में होती है, वो जो टेस्ला का डैशबोर्ड है ना उस पर आपको दिख रही होती है गाड़ी चलती हुई। अभी वो वाला पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, वेल टेस्ला में क्या होता है कि जब आप जा रहे होते हैं ना गिरा, तो आसपास की ना सारी गाड़ियाँ आपको इस पर दिख रही होती हैं। अब वो उसने बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ था, और मगर उसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी, वो सीधी सीधी जाए जा रही थी कार। मैंने कहा यार अगर तो किसी ने टेस्ला चलाया हुआ बंदा हुआ ना, या इवन मैं भी, मुझे यहाँ पे दिख रहा था यार कुछ नहीं है, तो मैं तो ठोक दूंगा, मैं देखूंगा कुछ नहीं है, एकदम ब्रेन ट्रिगर करता है ना कुछ नहीं है ठोक दूंगा मैं, तो वो बस उसके जैसा मिमिक करने के चक्कर में ना उसके जैसा बना दिया, और बस पता नहीं क्या हमारे बंदे कर रहे हैं इसको। वो इस्लामाबाद में लाहौर में तो उसको कहता ना टोर, कि बस दूर से बाहर से ना जो स्क्रीन के बाहर से अंदर देखे ना यूँ, तो उसको लगे अरे ये तो भाई वो तो टेस्ला वाला सिस्टम हुआ है अंदर, हालांकि है कुछ भी नहीं वो, तो बस हमारा सर्वर का भी वही हिसाब किताब है। ये सर्वर की अलमारी देख के ना बंदा बोले पता नहीं इसमें क्या लगा हुआ होगा, अंदर लगे हुए इंटरनेट के स्विच। अच्छा भाई ये तो बात हो गई हमारी, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जी हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो किस तरह से काम करता है, और उसको हमें जो ख़ास तौर पे REST API के कुछ स्टैंडर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। देखो HTTP का जो प्रोटोकॉल है ना वो इस तरह से काम करता है कि उसमें बनता है एक अदद पैकेट। जब मेरा फ्रंट एंड से जब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ
और वो मेरे सर्वर तक पहुंचती है यानी कि गूगल क्लाउड तक, तो यहाँ से एक बनता है पैकेट जिसमें हेड होता है और बॉडी होती है, और वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो इसको वो मतलब उसको समझ आ जाता है कि जी अच्छा रिक्वेस्ट में ये चीज़ें आई हैं। फिर वहाँ से जब रिस्पॉन्स वो करता है तो वो रिस्पॉन्स भी इसी फॉर्मेट में करता है कि जी वो एक पैकेट बनाता है जिसमें एक हेड होता है एक बॉडी होती है। अच्छा, हेड में जो डेटा होता है आमतौर पर वो पब्लिक होता है। अच्छा, और हेड में जो डेटा होता है वो असल में क्या होता है, मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा कोई बता पाएगा क्या चीज़ होती है? डेटा डेटा से मुतालिक जो डेटा होता है उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक एक पीडीएफ की फ़ाइल है। अब वो पीडीएफ की फ़ाइल वो कोई वाइट पेपर हो सकता है, वो कोई बुक हो सकती है। अब वो बुक जो है वो इट्सेल्फ एक डेटा है ना। अच्छा, लेकिन उस बुक के बारे में जो डेटा है कि जी इस बुक में कितने पेजेस हैं, इस बुक का ऑथर कौन है, इसको मेटा डेटा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब बॉडी है मेरे पास, जो पैकेट है उसमें हेड है और बॉडी है ना, तो बॉडी के अंदर किस किस्म का डेटा जा रहा है, हमारे केस में हम जेसन डेटा भेज रहे होंगे, तो उस बॉडी में किस किस्म का डेटा है, कितने बाइट का डेटा है, और मुतालिक उससे बहुत सारी चीज़ें कि वो किस आईपी से आया है, किस आईपी पे जा रहा है, पूरी राउटिंग टेबल उसके अंदर। तो ये सारा क्या होता है, मेटा डेटा हेड के अंदर होता है और ये पब्लिक होता है। बॉडी के अंदर ऑन अदर हैंड जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है। अगर आप HTTPS ओवर HTTPS कर रहे हैं आप, तो वो सिक्योर होता है। अगर S नहीं लगा हुआ तो फिर सिक्योर नहीं होता। S स्टैंड्स फॉर SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट अभी मौका नहीं है, वरना उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर उसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो मैंने एक दूसरा सेक्शन है वेब डेवलपमेंट का, उसमें वो बात पढ़ाई है। तो जहाँ पे मैंने JWT को डिस्कस किया ना, वहाँ पे ये वाली बात डिस्कस हुई है कि जी ये SSL जो है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नहीं सिक्योर सॉकेट लेयर, तो वो तो नाम है इसका। ये एक इंक्रिप्शन की एक टाइप है, ये एक्चुअली इंक्रिप्शन की एक टाइप है जिसको पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहते हैं। सही है, ये नाम याद आ गया मुझे, पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहते हैं। तो जहाँ पे मैंने JWT डिस्कस किया ना वेब डेवलपमेंट में, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि जी ये जो HTTP है और इसके साथ जो S लग जाता है यानी SSL एक सर्टिफिकेट की एक टाइप है। ठीक है, वो SSL भी क्या है, पब्लिक प्राइवेट की ही बनता है उसमें। SSL के अलावा एक RSA करके होता है एक, वो भी यही चीज़ है। तो वो ये मोर और लेस नाम अलग अलग है लेकिन काम सब एक ही करते हैं। ठीक है, साइज़ में थोड़ा सा आगे पीछे डिफरेंस है, थोड़ा फ़र्क है इनके काम करने में, लेकिन ये है मोर और लेस सारी एक ही चीज़। तो उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो S लगने से क्या होता है, वो पब्लिक प्राइवेट की आपकी शेयर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो सारा का सारा वो यहाँ से इंक्रिप्ट होके जाता है और उधर जाके उसको उनके प्राइवेट की के ज़रिए डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये S लगने की वजह से इसलिए आपका डेटा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि SSL कम्स इन टू प्ले। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई कि जी HTTP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट निकली और वहाँ पे पहुँची और वहाँ से निकली वापस यहाँ पहुँची। अगर HTTPS है तो सिक्योर है, HTTPS नहीं है तो सिक्योर नहीं है। अच्छा, हेड पब्लिक होता है, बॉडी आपकी प्राइवेट होती है। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जी क्योंकि REST API बना रहे हैं, तो REST API क्या चीज़ है भाई, और API क्या चीज़ है इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट डज इट मीन बाई API? कोई आप में से बता पाएगा API किस चीज़ को कहते हैं? जी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। जी वो तो API बना के दे दिया उसने एक्सेस करने के लिए ना, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस API क्या चीज़ है? नहीं, सर्वर से देखो, सर्वर तो बाद में आता है ना, सर्वर कम्स इन टू प्ले लेटर। मैं मिसाल से समझाता हूँ। अगर मैं किसी से पूछूँ ना कि मोटरसाइकिल क्या चीज़ है, तो वो बोले कि मोटरसाइकिल वो चीज़ है जिससे ऑफिस जाते हैं और वापस घर आते हैं। गलत जवाब है ये, है ना, मोटरसाइकिल वो चीज़ नहीं है जिससे ऑफिस जाते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल को इस्तेमाल करते हुए आप कहीं भी चले जाएं, वो बात अलग है। तो आपने जो दोनों ने जवाब दिया ना, वो ये वाला जवाब है कि जी मोटरसाइकिल वो चीज़ है जिससे हम ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं। मोटरसाइकिल इट्सेल्फ क्या चीज़ है?
करीब करीब बात की इन्होंने, करीब करीब बात की इन्होंने। फ्रंट एंड और बैक एंड तो तुमने बात की, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बात नहीं की तुमने। अच्छा चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैं मेरा जो ओपिनियन है, देखो जो भी जितनी भी मशीन्स होती हैं जो भी, सही है, तो उसको ह्यूमन कोई ना कोई इनपुट देना चाहता है ज़ाहिर है, ठीक है। जैसे कि आपकी एक मशीन है सिलाई मशीन। अब सिलाई मशीन का जो होता है यार, क्या हो गया उसको, तो सिलाई मशीन जैसे होती है, या वॉशिंग मशीन होती है। अब वॉशिंग मशीन में क्या होता है, एक बटन लगा होता है, उसको घुमाते हैं तो चल जाती है वॉशिंग मशीन। यानी उसको घुमा के मैं उसको इनपुट देता हूँ कि आपने कितनी देर चलना है, कैसे चलना है, कब रुकना है, ये मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ उस डैशबोर्ड के ज़रिए। अच्छा तो वो जो उसके अंदर बटन लगा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं UI, यूज़र इंटरफेस। समझ आ गई ये बात, वो UI है, यूज़र इंटरफेस है, कि किसी भी मशीन जब ह्यूमन उससे बात करना चाहेगा तो उस इंटरफेस से उसको घुमाएगा। अच्छा ये UI है, यानी कि यूज़र इंटरफेस। अच्छा एक होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि वो है वही इंटरफेस ही है, लेकिन उसकी ग्राफिकल फॉर्म है, जैसे कि आप VLC प्लेयर या जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं उसमें वो बना होता है ना, प्ले का बटन होता है, लेकिन वो असल में प्ले का बटन नहीं होता, वो तो ग्राफिक होती है एक, आप उधर जाके क्लिक करते हैं तो आपको लगता है आपने प्ले कर दिया, है ना, लेकिन असल में वो बटन होता नहीं है, वो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उस बटन की। अच्छा फिर आप देखें जो ये मीडिया प्लेयर जितने भी होते हैं ना, उसमें प्ले का बटन क्यों होता है, वो प्ले का बटन इस वजह से होता है कि वो पुराने ज़माने में वो कैसेट वैसेट चलती थी, उसमें जो प्लेयर्स होते थे उसमें बटन होता था, और वो प्ले के बटन पे जो यूँ तीर बना हुआ होता है, उस तीर का मतलब ये होता है कि प्ले दबाएंगे तो इधर घूमेगा, उसका मतलब ये होता है। अब लेकिन मीडिया प्लेयर में तो घूम कुछ भी नहीं रहा होता, कुछ भी नहीं हो रहा था, वो तो स्टैटिक है वो तो सारा, वो थोड़ी रील थोड़ी लगी हुई है उसके अंदर कि वो घूमेगी, वो तो पुराने ज़माने में होता था, वो तो ख़त्म हो गया सारा, लेकिन वो प्ले का बटन रह गया, ठीक है। वो प्ले का बटन इसलिए रह गया कि ज़रा वो जो पुराना चलाया हुआ है जिन्होंने, उनको पता चले कि अच्छा ये वही चीज़ है। तो किसी भी यूज़र इंटरफेस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम GUI कहते हैं। अच्छा तो अच्छा GUI बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे अब गाड़ियों में भी अब बहुत सारी चीज़ें ना GUI पे आ गई हैं, पहले तो AC चलाने का वो बटन होता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कुछ बेवकूफ़ों ने पता नहीं क्या किया, वो डैशबोर्ड के अंदर ना टच पे कर दिया है AC का बटन। अबे मैंने कहा यार ये क्या हरकत की है, तो क्योंकि वो जो फिज़िकल बटन होता है उसको तो ड्राइव करते करते ना बंदा ऐसे हाथ से टच करके भी प्रेस कर देता है, वो एक सर्टेन टाइम पर आपको पता चल जाता है अच्छा ये बटन कहाँ है, आप उसको ना फिंगर से टच करके आप दबा देते हैं। अब वो टच वाले पे कैसे दबाए, टच वाले पे तो कभी वो कोई और ही स्क्रीन खुली है उस पर वो आ ही नहीं रहा होता बटन, तो बड़ी बेवकूफ़ी की है जिसने भी की है। तो वो उसको क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अब GUI पे लेके जा रहे हैं। मेरे को तो डर है वो हॉर्न को कहीं GUI उस पे ना कर दें कि सामने का बंदा मैं ढूंढता ही रहा हूँ टच में कि किधर है, सही है। तो अच्छा पुराने ज़माने की जो कार्स होती थी ना, उसमें क्या होता था, स्टेयरिंग पे ना पूरा मीडिया प्लेयर का वो बटन होता था, प्ले पॉज और वो वॉल्यूम कंट्रोल और पता नहीं क्या क्या, तो वो सब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता वो सबको GUI पे लेके चले गए। तो वेल तो हमने UI समझी, हमने GUI समझी, भाइयों बैठने का सीन नहीं है, खड़े हो जाओ दोबारा, जिस जिसने असाइनमेंट नहीं किया वो पूरी क्लास में खड़ा रहेगा। अच्छा पानी पी के खड़े हो जाओ, मसला नहीं है, आराम से। अच्छा यार मजबूरी है यार, नहीं खड़े हो जाओ, वॉमिटिंग करके आ जाओ, जाइए फिर खड़े हो जाना, बाहर से घूम के आ जाओ, चक्कर मार के आ जाओ। अच्छा खैर क्या कह रहा था मैं, हाँ अच्छा एक तो ये समझ आ गया UI, और एक समझ आ गया मैं GUI। अच्छा अब एक चीज़ है API, API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये आप नोट करें, इसमें यूज़र इंटरफेस नहीं है, ये यूज़र के लिए नहीं होता, API कभी भी यूज़र के लिए नहीं होता है, ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और ये एप्लीकेशंस के लिए होता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन जब दूसरी एप्लीकेशन से बात करना चाहती है तो उसके लिए API एक्सपोज की जाती है, ठीक है। GUI, अच्छा जैसे इस AC की अगर हम बात करें, इसमें एक बना हुआ है UI, जो फिज़िकल बटन है UI बना हुआ है,
उसको मैं प्रेस करता हूँ तो वो ऑन ऑफ भी होता है और वो कम ज़्यादा भी होता है टेम्परेचर। अच्छा, फिर क्या होता है, इसके अंदर एक API भी है, बताओ वो कौन सी है? रिमोट से जो करते हैं, क्योंकि रिमोट जो है वो इटसेल्फ एक कंप्लीट मशीन है, वो है ना, उसका अपना पावर सोर्स है, अपने उसके अपने इंटरफेसेस हैं। तो वेल सम हाउ रिमोट क्या करता है, इसको बताता है कि जी जब मैं रिमोट में बटन प्रेस करता हूँ तो रिमोट उसको बताता है कि जी टेम्परेचर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ऑन ऑफ हो जाए। तो इस मशीन के अंदर जो है ना एक इंटरफेस मशीन के लिए भी बना हुआ है। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं उस रिमोट की जगह मैं खुद खड़ा हो जाऊँ और दूर से इसको मैं बताऊँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंटरफेस मेरे लिए है ही नहीं है, वो है एक दूसरी मशीन के लिए। समझ आ रही है बात? अच्छा, तो API जो है वो हमेशा किसके लिए होती है, एक दूसरी मशीन के लिए बनाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने जो अभी ये सर्वर का सॉफ्टवेयर लिखा है, इसमें हमने बनाई है API, दिस इज़ वन API, ठीक है। अब ऐसी मैं एक और API बना दूँ, मैं स्लैश इसको नेम कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको कर दूँ स्लैश प्रोफाइल। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तीन अदद API बना दी है। अच्छा, ये जो API है ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, एक दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए बना रहा हूँ। कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर इससे बात कर सकता है। अच्छा, वो कौन होगा वो दूसरा सॉफ्टवेयर, वो कोई मोबाइल ऐप हो सकती है, वो कोई रिएक्ट की ऐप हो सकती है, वो कोई HTML CSS JavaScript की ऐप हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जो हमने जो HTML CSS की जो वेबसाइट अभी तक हम बनाते रहे, वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है ना वो, एक ठीक है, सर्वर ना भी हो तो वो चलता है, आप उसको GitHub IO पे होस्ट कर दो, वो चलता रहता है। तो वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, जो फ्रंट एंड है आपका। तो वो फ्रंट एंड क्या करता है, इससे बात कर सकता है, इसको कॉल भेज सकता है ओवर HTTPS, ओवर द इंटरनेट, इससे वो बात कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं उसको हटा दूँ और उसकी जगह मैं खुद रिक्वेस्ट करूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ करना मुनासिब नहीं है कि मैं भाई अभी जैसे फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक में क्या होता है, जब भी आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो पीछे API कॉल होती है ना, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पांस आता है। अब मैं बोलूँ यार ये सारे बटन मैं हटा रहा हूँ, अब जिसको लाइक करना होगा ना वो ये URL है और इसमें आप ये पैरामीटर हैं, ये डाल के आप लाइक कर सकते हैं किसी की पोस्ट, ठीक है। तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि जी वो लाइक का बटन दबाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एक आम आदमी के लिए, बजाय इसके कि उसको एक URL दे दूँ, मैं बोलूँ यार URL हिट करो जब भी लाइक करना हो, ठीक है। तो मैं डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए क्या कर सकता हूँ, इस API को खुद भी कॉल कर सकता हूँ मैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके लिए मौजूद हैं, जिसमें से एक वेल नोन सॉफ्टवेयर, उसको कहते हैं पोस्टमैन, हम अभी देखेंगे उसको थोड़ा सा, ठीक है, पोस्टमैन है। उसके अलावा एक थंडर करके है, वो VS Code का एक्सटेंशन है थंडर, वो भी हम देख लेंगे कि वो कैसे चलता है, ठीक है। तो इस API को अगर मैं चाहूँ तो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए खुद भी कॉल कर सकता हूँ इन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, या डायरेक्ट टर्मिनल से, डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से मैं खुद भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन आमतौर पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं ये API बना के, इसके डॉक्यूमेंट बना के, और जो डेवलपर है दूसरा फ्रंट एंड का, उसको मैं दे दूँगा, वो उसको। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने वेदर ऐप बनाई है, सब लोगों ने ओपन वेदर मैप की API इस्तेमाल करते हुए, तो ओपन वेदर मैप वालों ने जो पीछे सर्वर लिखा हुआ है, अच्छा उस सर्वर में क्या है वो नहीं आपको पता, लेकिन आपके पास वो URL मौजूद है कि जी इस URL को हिट करूँगा तो जवाब आएगा। तो आप अपने फ्रंट एंड के सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं, उस URL को हिट करते हैं, आपके पास जवाब आता है, यानी आपका जो फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर है वो उनके सर्वर सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो API वो चीज़ है जो एक मशीन के लिए बनाई जाती है, एक यूज़र के लिए बनाई नहीं जाती है। अच्छा, अब ये API ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वेब API हो, ये हम जो बना रहे हैं ना इसको हम कहते हैं वेब APIs, या इसको हम वेब सर्विस भी कहते हैं प्यार से, ठीक है, और इसको HTTP API भी कहते हैं, इसको REST API भी कहते हैं, ये सारे एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि वेब API, तो हम कहते हैं कि जी ओवर द वेब एक्सेस होती है, तो इस नस्बत से उसको वेब API कहते हैं। जब इसको हम HTTP API कहते हैं, क्योंकि ओवर द HTTP इसको एक्सेस करते हैं, इसलिए HTTP API। अच्छा, HTTP के अलावा भी प्रोटोकॉल हैं, WS प्रोटोकॉल है, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल, और भी RSTP, पता नहीं STP, पता नहीं कौन कौन से और प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो इसको HTTP API इस नस्बत से कहते हैं। अच्छा, और या उसको REST API जो कहते हैं, वो अभी हम REST API देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या चीज़ होती है, तो उस नस्बत से उसको REST API कहते हैं। REST के अलावा भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे SOAP है, और पता नहीं और XML है, कौन सा है, खैर वो पुराने, हमें वो लेना देना नहीं उससे, तो उस नस्बत से उसको REST API भी कह देते हैं, ठीक है, वेब सर्विसेज भी कह देते हैं उसको। तो ये सारे एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। अच्छा जी, ये यहाँ तक किसी का कोई सवाल है अगर तो पूछ ले, अदरवाइज़ फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अब हम ज़रा देख लेते हैं कि REST API क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा REST API का ना ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने लिख दिया कि जी प्रिंसिपल्स ऑफ REST API। ठीक है, ये मैंने पहला लिंक खोल लिया प्रिंसिपल्स ऑफ REST API, इसमें ये IBM का एक डॉक्यूमेंट आ गया। क्या नीचे खोल दिया इसने, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, ये इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट से जाके उड़ा देंगे। सही है, जो चीज़ बंद नहीं होती फिर उसको ज़बरदस्ती बंद करना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस ज़रा इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, लेकिन बात सारी सेम हुई हुई होती है सब जगह ना। तो कह रहे हैं कि जी ये REST डिज़ाइन प्रिंसिपल है। ठीक है, REST जो है वो क्या है, एक गाइडलाइन है, एक डिज़ाइन गाइडलाइन है या डिज़ाइन प्रिंसिपल है, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी API को क्या कह सकते हैं, REST API कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा REST API वेब APIs पे ही होता है। सही है, वेब के अलावा किसी और पे REST को अप्लाई किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उस API के ऊपर बात हो रही है जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे अभी AC और रिमोट के दरमियान जो API बनी हुई है ना, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल हैं उसमें वो बात हुई हुई है सारी क्लाइंट सर्वर वाली। ठीक है, तो जो वेब API इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ले, उसको हम क्या कह सकते हैं, REST API या RESTful API उसको कह सकते हैं। अच्छा, तो एट द मोस्ट बेसिक लेवल एन API इज़ अ mechanism दैट इनेबल एप्लीकेशन और सर्विस टू एक्सेस अ रिसोर्स विद इन अनदर एप्लीकेशन और सर्विस। ठीक है, वही सेम इसने बात कर दी कि एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से बात करेगी, उसको हम API कहते हैं। द एप्लीकेशन और सर्विस डूइंग द एक्सेसिंग इज कॉल्ड द क्लाइंट, जो एक्सेस कर रहा होता है उसको क्लाइंट कहते हैं, और द एप्लीकेशन और सर्विस कंटेनिंग द रिसोर्स इज कॉल्ड सर्वर। यानी एक एप्लीकेशन जब दूसरी एप्लीकेशन से बात करती है ना, तो जो रिसोर्स मांग रहा होता है वो क्लाइंट होता है, और जो रिसोर्स सामने से प्रोवाइड कर रहा होता है वो सर्वर होता है। ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, दोनों हार्डवेयर भी हो सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे जैसे अब मिसाल के तौर पे जैसे रिमोट और AC है, अब इसमें कौन सा क्लाइंट है कौन सा सर्वर है। ठीक है, तो इस केस में फिर कोई हार्डवेयर भी सर्वर का रोल अदा कर सकता है, कोई माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, कोई एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। अब एम्बेडेड कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग नहीं होता ना, वो तो एक ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके वो चिप में बर्न हुआ वो होता है, वो हटा भी नहीं सकते उसको। आप हटाना है तो चिप ही पूरी आपको ट्रैश करनी होती है। तो उस केस में क्या होता है कि जी आप हार्डवेयर को भी, यानी सर्वर इज़ अ रोल है, वो सर्वर का रोल कोई भी ले सकता है वो सॉफ्ट, लेकिन हमारे स्पेसिफिक केस में ना जो Node.js का सर्वर है उसमें वो रोल एक सॉफ्टवेयर ने लिया हुआ है जो सर्वर का रोल है। ठीक है, लेकिन सर्वर का रोल यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि जी जो मांगने वाला है वो क्लाइंट है, जो सामने से प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर है। अच्छा जी, सम APIs सच एज SOAP और XML RPC इम्पोज स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क ऑन डेवलपर्स। कह रहे हैं कि जी ये REST से पहले के जो चीज़ें ना, यानी SOAP है और XML RPC करके है, ये बड़े स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया हुआ है डेवलपर्स के लिए। बट REST API कैन बी डिवेलप्ड यूजिंग वर्चुअली एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ डेटा फॉर्मेट्स। कह रहे हैं कि जी आप REST API में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सर्वर होना ज़रूरी। लेकिन द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट दे अलाइन द फॉलोइंग 6 REST डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑल्सो नोन एज आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेन। सबसे पहला जो क्या बात की इसने जी, यूनिफॉर्म इंटरफेस, ऑल API रिक्वेस्ट फॉर द सेम रिसोर्स शुड लुक लाइक सेम नो मैटर वेयर द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम। कह रहे हैं कि जितने भी रिसोर्स होगा ना, जो अच्छा रिसोर्स ये कहते हैं URL को, जहाँ जहाँ रिसोर्स की बात आ रही है, URL है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स। देखो इसमें नाम में भी आ गया रिसोर्स, तो ये रिसोर्स ना URL को कह रहे हैं। तो इसका असल में बात ये कर रहा है कि जितने भी URL होंगे ना, वो ऑल ऑफ दोज URL शुड लुक द सेम नो मैटर वेयर द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम। कह रहा है एक रिसोर्स के लिए जितने भी URL होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। अभी उसको हम करके देखते हैं कि ये कैसे सेम बता रहा है। द REST API शुड इंश्योर दैट द सेम पीस ऑफ डेटा सच एज नेम और ईमेल और यूज़र बिलोंगिंग ओनली वन यूनिफॉर्म रिसोर्स URI। अच्छा URL को URI भी कहते हैं, एक ही बात है, URL और URI एक ही बात है।
resources should not be too large but should contain every piece of information that client might need. अच्छा अब आ जाओ भाई, यहाँ पे अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक ना मेरे पास क्या है, हम क्योंकि क्रड ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो क्रड ऑपरेशन हम कर लेते हैं प्रोडक्ट्स का. हम इमेजिन कर लेते हैं ये कि जी हमारे पास ना एक ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, ठीक है, या हमारे पास कोई आप समझ लें गैलरी है, फ़ोटो गैलरी है. अब उसमें क्या होता है कि आप नया फ़ोटो ऐड भी करते हैं, पुराने को रिमूव भी करते हैं, ठीक है. इसी तरह ई कॉमर्स की जो साइट होती है उसमें आप जो डैशबोर्ड होता है उसका, उसके ऊपर जाके आप नई प्रोडक्ट्स ऐड, जैसे OLX है, OLX की आप एग्जांपल लें, OLX में क्या होता है कोई भी बंदा आता है एक नई प्रोडक्ट ऐड कर देता है. अच्छा जो उसने खुद ऐड किया उसको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है. तो मैंने यहाँ पे बना दिया कि जी लेट, और लेट करके मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, और एक एरे बना दिया मैंने. अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैं नई प्रोडक्ट ऐड भी कर सकता हूँ और पुरानी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ. अच्छा ये हो गया. सबसे पहले इस प्रोडक्ट के अंदर ना मैंने एक हाथ से इसमें रख दिया, सही, आप लोग सब जेसन वो अपना एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो ये समझ आ रहा होगा सब लोगों को कि मैंने क्या बात की है. अच्छा प्रोडक्ट का सबसे पहले एक नेम होगा, मैंने कहा नेम है ABC प्रोडक्ट, सही है. इसकी प्राइस होगी, ठीक है, $23.12, सही है. और कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, सही है, कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन होगी. तीन चीज़ एटलीस्ट हमें शायद चाहिए होती है, उसके अलावा भी इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जी ये प्रोडक्ट सोल्ड तो नहीं हो गया, ये अभी इज़ एक्टिव, और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर. तो ये मैंने एक प्रोडक्ट इसमें हाथ से ऐड कर दिया. अच्छा सबसे पहली API जो मुझे चाहिए ना वो इस प्रोडक्ट को गेट करने की API चाहिए, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा जी, अच्छा ये जो मैंने तीन बनाया हुआ ना नीचे, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इन तीनों की मुझे जरूरत, हाँ ID भी तो चाहिए मुझे. सही है, प्रोडक्ट की ID भी मुझे चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज मैं प्रोडक्ट को गेट कैसे करूँगा फिर. अच्छा एक तो मैंने ये स्लैश वाली API थी ना उसको ऊपर रख दिया ताकि सर्वर को डायरेक्ट कोई हिट करे तो उसको कुछ ना कुछ मिले. अब इसके नीचे हम आ जाते हैं ये प्रोडक्ट. अब इसको मुझे गेट करने के लिए एक अदद API चाहिए, स्लैश प्रोडक्ट, सही है, ये मैंने लगा दिया. उसके बाद अगली मुझे API किस चीज़ के लिए चाहिए, इसको एडिट करने के लिए, सही है, या नया प्रोडक्ट पोस्ट करने के लिए चाहिए मुझे. तो इसका मैं नाम क्या रख दूँ, क्रिएट प्रोडक्ट या ऐड प्रोडक्ट, सही है. और इसको इसकी रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, पोस्ट टाइप की होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा ये हमें ना जो HTTP प्रोटोकॉल ही हमें ये बात बताता है कि जी अगर कोई चीज़ आप सर्वर से मंगवा रहे हैं ना तो आप गेट की रिक्वेस्ट करेंगे, सही है. यानी कि मैं बोल रहा हूँ मेरे क्लाइंट को कि आप क्या करोगे, गेट की रिक्वेस्ट करोगे और स्लैश प्रोडक्ट लगाओगे तो सारी की सारी प्रोडक्ट आपके पास उठ कर आ जाएगी. अभी मैं इसमें रिस्पॉन्स नहीं बनाया, अभी बनाते हैं थोड़ी देर में. अच्छा इसी तरीके से आप क्या करोगे, जब सर्वर पे कोई नई चीज़ आपने भेजनी है तो आप क्या करोगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट करोगे. अच्छा इसी तरीके से क्या करोगे आप, जब सर्वर पे कोई चीज़ एग्जिस्टिंग रिसोर्स को चेंज करना है तो आप पुट की रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है. और अगर कोई चीज़ आपने सर्वर पे मौजूद है उसको डिलीट करनी है तो डिलीट की रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है. इसके अलावा भी रिक्वेस्ट, ये चार, अच्छा इसको हम कहते हैं मैथड्स, ठीक है. ये गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट जो है ना ये मैथड्स हैं. तो इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं, ये चार मेथड्स हैं, ठीक हो गया जी. तो अच्छा जी ऐड प्रोडक्ट हो गया. अच्छा अब एडिट वाले का मैं क्या नाम रख दूँ, अपडेट प्रोडक्ट, और डिलीट वाले का क्या नाम रख दूँ, सही है भाई, ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है. इसमें मसला है, इन चारों का नाम जो है ना क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए. इन चारों का नाम प्रोडक्ट होगा, ठीक है. मेथड अलग अलग है ना,
नाम सारा। तो यही वाली बात करते हैं, यूनिफॉर्म इंटरफेस होगा कि जी जितने भी मेरी APIs होंगी ना एक रिसोर्स से मुतालिक, उनका जो URL होगा वो सेम दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लो, इसने एक बात ये और बोली है कि उस URL के अंदर जो है ना वो जितनी भी डिटेल्स चाहिए ना वो सब होंगी। अब मैंने बोला भाई ऐप डॉट गेट और प्रोडक्ट, अब इस ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट में क्या एक प्रोडक्ट उठ कर आए या सारी प्रोडक्ट उठ कर आ जाए, अब ये एक सवाल है। ठीक है, सारी उठ कर आ जाए तो इसमें मैं लगाऊंगा एस। अच्छा, फिर एक प्रोडक्ट को गेट करने वाला भी आइटम चाहिए मुझे तो उसमें फिर एस नहीं होगा। ये हमें डिज़ाइन बता रहा है, ये REST API का जो डिज़ाइन गाइडलाइन है ये वो हमें बता रहा है। ठीक है, इन्होंने ज़रा बात शॉर्ट सी बात की है, ये यूनिफॉर्म इंटरफेस की जो बात की ना इन्होंने, इन्होंने कहा रिसोर्स शुड नॉट बी टू लार्ज बट कंटेन एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट माइट नीड। इसने ज़रा शॉर्ट सी बात कर दी है, लेकिन जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बात हुई भी होगी ना तो वहाँ पर ये सारी बातें आपको नज़र आ जाएंगी कि जी वो एस लगाने का क्या मतलब है और एस नहीं लगाने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन गाइडलाइन है, इसको आप फॉलो नहीं भी करेंगे तो API आपकी फिर भी सही चलेगी, लेकिन अगर कर लें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको क्लाइंट आके बोलेगा ना चिंपैंजी कैन ऑल्सो राइट कोड वाली बात कर देगा वो, कि जी चिंपैंजी भी कोड तो लिख सकते हैं लेकिन जो बंदे लिखते हैं कोड और चिंपैंजी जो लिखते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। हेलो, इंसानों वाला जो है वो रीडेबल होता है, समझ आता है, चल दोनों जाते हैं कोड। हाँ भाई, यार मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अंग्रेजी में मुहावरा है ना, उन्होंने बोला कि यार चिंपैंजी कैन ऑल्सो राइट कोड। ठीक है, तो वो वाला सीन ना हो जाए। अच्छा, तो ह्यूमन का जो कोड होता है वो क्या होता है, रीडेबल होता है एक दूसरे ह्यूमन के लिए। तो अच्छा कोड वही होता है जो पढ़ने वाले को पढ़ने में अच्छा लगे और कोड लिखने वाले को भी लिखने में भी अच्छा लगे और उसको बाद में डीबग भी करना आसान हो, कि भाई अगर बाद में मॉडिफाई करना पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि यार समझ ही नहीं आ रहा किसी के क्या हुआ है। तो मैं ऐप डॉट गेट प्रोडक्ट्स और ऐप डॉट गेट सिर्फ प्रोडक्ट। अच्छा, सिर्फ प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आएगी, एक प्रोडक्ट आएगी। अच्छा, मगर एक कौन सी आएगी, 300 प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी आईडी मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा स्लैश और कॉलन आईडी। सही है, ये कॉलन आईडी का मतलब पता है क्या है, कॉलन आईडी का मतलब ये है कि जब इस URL को हिट किया जाएगा तो क्या होगा, https://, और बेस URL यहाँ पे लगाया जाएगा baseurl.com/ और product/ और 1231, ये प्रोडक्ट की आईडी है। तो इस तरह से ये URL हिट होगा। अच्छा, ये वाली आईडी मुझे अंदर मिलेगी कैसे, मुझे मिलेगी ये request.params करके। ठीक है, request.params.id, ठीक है, इस तरह करके मुझे ये मिलेगी। इसको मैं कॉन्सोल भी करा देता हूँ। ठीक है, request.params करूँगा ना तो यहाँ जो भी लिखा हुआ होगा, यानी ये वाला पार्ट जो है वेरिएबल है, इसमें कुछ भी लिख के भेज सकता है बंदा। अच्छा, जो लिख के भेजेगा उस नाम से ये प्रोडक्ट क्या करेगा, उस एरे में तलाश करेगा, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं। ठीक है, 404 करके वो रिस्पॉन्स कर देगा कि जी नहीं है मेरे पास ये, इस आईडी की प्रोडक्ट ही है कोई मेरे पास। अब जैसे 1231 मैंने लिखा है तो इस वक्त मेरे पास इस आईडी का कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वो 404 कर देगा कि जी इस नाम का कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक में क्या होती है, सामने इतनी सारी पोस्ट आ रही होती है लेकिन किसी एक पोस्ट के ऊपर भी मैं क्लिक करता हूँ तो सिंगल पोस्ट खुलती है। समझ रहे हो बात, मैं ज़रा एक दफ़ा दिखा दूँगा। खुल जा भाई। अच्छा, ये इतनी सारी पोस्ट आ गई ना सामने, अब मैं किसी एक पोस्ट के अंदर जाऊंगा ना जब, ठीक है, किसी एक पोस्ट के, जैसे इस वाले पोस्ट के मैं इधर टाइम पे क्लिक करता हूँ अगर, ठीक है, तो ये सिंगल पोस्ट खुल गई, आप नोट करो। तो इसी तरह सिंगल प्रोडक्ट भी खुलती है जब आप अमेज़ॉन पे जाते हो या किसी दराज वगैरह पे जाते हो या OLX पे जाते हो, तो चार्ट आ रहा होता है, लिस्ट आ रही होती है तमाम प्रोडक्ट्स की, किसी एक पे क्लिक करते हो तो सिंगल प्रोडक्ट खुल जाती है, सारी डिटेल उसकी आ जाती है। तो वो सिंगल प्रोडक्ट जो है वो ज़ाहिर है इस तरह से मुझे उसको गेट करना पड़ता है फिर। अच्छा जी, ये हमें बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं जी पोस्ट में। पोस्ट में जो प्रोडक्ट मैंने लिखा है इसका मतलब है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट
पोस्ट होने जा रही है। अच्छा, इसमें आईडी वगैरह की तो हमें ज़रूरत नहीं है, जाहिर है आईडी मैं खुद जनरेट कर लूँगा, या जो बॉडी में डेटा आएगा उसमें अगर पहले से आईडी होगी तो उसको इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, ये हम जस्ट अभी ऊपर वाले पार्ट की बात करें। अभी देखो बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, अभी बॉडी के अंदर हम थोड़ी देर में करते हैं, वो करेंगे तो क्रैड हमारा वैसे ही पूरा हो जाएगा फिर। अच्छा, पुट में भी क्या करना है भाई, प्रोडक्ट एडिट हो रही है तो प्रोडक्ट कोई एक एडिट होगी जी। अच्छा, स्लैश आईडी, तो कोई जो भी प्रोडक्ट एडिट हो रही है उसकी आईडी मुझे बतानी पड़ेगी कि यार फला प्रोडक्ट को एडिट करना है आपने। ठीक है, ये वाला चक्कर है। अच्छा, और ये आईडी भी मुझे इसी तरह मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी करके मिलेगी, और मैं फिर चेक करूंगा अपने एरे में कि जी उस नाम की अगर कोई मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है तो उसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा। अच्छा, मॉडिफाई में क्या करूंगा, बॉडी के अंदर मुझे उसका पूरा वो मिलेगा डेटा कि जी मतलब अब नया क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर नाम एडिट हो रहा है तो वो बॉडी में मुझे मिलेगा कि जी नेम अब नया वाला क्या है इसके अंदर। ठीक है, डिलीट में भी मुझे क्या करना होगा, कोई एक प्रोडक्ट डिलीट हो रही है तो स्लैश करके मैं आईडी यहाँ पे भी पास करूँगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म क्या कहते हैं रिसोर्स हो गई अभी। ठीक है, ये URL हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स, और L का क्या मतलब, लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बन गया ये। तो अब ये सारी एक जैसी होगी, अगर मैंने ये कर दिया ना एडिट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट, तो इट वुड नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस, और ऐसा करने की वजह से मैं क्या हो जाऊँगा, REST API के बाउंड्री से मैं बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, REST API फिर नहीं कह सकता मैं अपनी API को। आ जाते हैं जी हम दूसरे प्रिंसिपल पे। अच्छा, बेस URL हमेशा ना यहाँ .com तक होना चाहिए, बेस URL हमेशा .com तक होना चाहिए। अभी वो करेंगे हम, अभी आगे आएंगे हम उस जगह पे ना। ठीक है, स्लैश तुम ये कह रहे हो, इतना को बेस URL कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो सही होगा या नहीं। अच्छा जी, क्लाइंट सर्वर डीकपलिंग, क्लाइंट सर्वर डीकपलिंग जो है ना, इसके लिए खुशकिस्मती से हमें एडिशनल कोई काम नहीं करना, बस हमने ख्याल रखना है थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं जी कि इन REST API डिज़ाइन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मस्ट बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे आप नोट करें, आपने जो वेदर ऐप बनाई उसमें आपका फ्रंट एंड आपने बनाया, सर्वर उन्होंने लिखा था, उन्होंने जस्ट आपको API दे दी, दोनों इंडिपेंडेंटली अपडेट हो सकते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, इस पर आप काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, अलग अलग, हमने तो आँखें उस दौर में खोली है जहाँ पर अलग अलग होता है, तो एक कहाँ से होता, और ऐसा कौन सा मतलब सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये क्लाइंट और सर्वर एक होंगे। वो एक होंगे PHP के केस में। PHP में क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ पे HTML पूरा फॉर्म करते हैं सर्वर के ऊपर, जैसे दोस्त ने किया, आपने जो करके दिखाया था ना, तो मतलब रिक्वेस्ट गई और वहाँ से पूरा HTML बना के भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जी आपका जो फ्रंट एंड होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपने फ्रंट एंड का कोई स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आपको सर्वर पर जाके चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना REST API में इन्होंने बोला, भाई ऐसे मत करें आप, REST API में क्या करें, फ्रंट एंड पूरा अलग हो, सर्वर पूरा अलग हो, ताकि कोई भी स्टाइलिंग, कोई भी पेजेस का डिज़ाइन विज़ाइन चेंज करना हो अगर, तो आप फ्रंट एंड पे रहते हुए कर लें। सर्वर का ताल्लुक सिर्फ डेटा से होना चाहिए, और बिजनेस लॉजिक, ऐसी बिजनेस लॉजिक जो आप छुपाना चाहते हैं, आप एक्सपोज नहीं करना चाहते उसको। द ओनली इन्फॉर्मेशन द क्लाइंट एप्लीकेशन शुड नो इज़ URI ऑफ द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। ठीक है, I can't interact with the server application in any other way. Similarly, server application should not modify the client application, then pass the request via HTTP. ठीक है, कह रहे हैं कि भाई सर्वर के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो फ्रंट एंड को मॉडिफाई कर ले। सर्वर से जस्ट डेटा जाएगा, फ्रंट एंड पे प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट। सर्वर को इससे ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो क्लाइंट है उसको ये अथॉरिटी, मतलब उसको सिर्फ URL पता होना चाहिए, अंदर क्या हो रहा है सर्वर के वो उसको पता नहीं होना चाहिए। जैसे वेदर ऐप की अगर हम बात करें, तो आपने जो API हिट की, पीछे वेदर वो कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, डेटाबेस में किस नाम से वेदर को सेव किया हुआ है, ये सब आपको पता नहीं चलता है। तो ये डीकपलिंग है, ये दोनों अलग अलग होंगे बिल्कुल, एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा इसका। अच्छा, स्टेटलेसनेस, स्टेटलेसनेस क्या चीज़ होती है जी, कि REST API आर स्टेटलेस। कौन मुझे बताएगा स्टेट किस चीज़ को कहते हैं? स्टेट नहीं, स्टेट लेस तो हो गया ना कि नहीं होता, सिर्फ स्टेट किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसी से पता चलेगा ना कि स्टेट लेस सर्वर क्या होगा। हालत को कहते हैं, अभी जो पोजीशन है उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ माइंड है कि अभी दिमागी हालत क्या है।
अच्छा, लेकिन हमें पता ये चला कि वो स्टेट हालत है, और ऐसी हालत है जो चेंज होती है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता है, हैप्पी होता है, एंग्री होता है, सैड होता है, ठीक है। तो स्टेट असल में क्या कहते हैं, वेरिएबल को कहते हैं, समझ रहे हो। ये फैंसी फैंसी नाम सुनने को मिल रहे हैं ना, ये एक ही है सारे, ये घुमाने का चक्कर है सारा। तो स्टेट असल में हम वेरिएबल को कहते हैं। अच्छा, एक वेरिएबल और स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है आई वुड से, कि वेरिएबल एक वेरिएबल को कहते हैं ना। अच्छा, अगर 10-12 वेरिएबल है ना, तो उनको मिला के स्टेट भी कहा जा सकता है। सही है, स्टेट भी कहा जा सकता है। जैसे भाई, अब बंदे का जो स्टेट होती है, वो बंदे के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो हर बंदे में अलग होते हैं, ज़ाहिर है बाल हर बंदे के अलग होते हैं, चेहरा अलग होता है, ठीक है, बॉडी का साइज़ वाइज अलग होता है, हाइट वेथ चेंज होती है, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो हर बंदे में अलग अलग होती हैं। तो वो इसी वजह से हर बंदे की स्टेट एक दूसरे से अलग होती है, ये वाला चक्कर है, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड जो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, तो स्टेट ऑफ माइंड एक वेरिएबल पर तो नहीं डिपेंड करता ना, स्टेट ऑफ माइंड तो बहुत सारे वेरिएबल को मिल के एक स्टेट ऑफ माइंड बनता है ना। तो बहुत सारे वेरिएबल को मिला के भी स्टेट हम कह सकते हैं। तो स्टेट असल में ये वेरिएबल की बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई आपका जो है ना रेस्ट API आर स्टेट लेस, रेस्ट API के अंदर कोई वेरिएबल नहीं बनाना आपने। अच्छा, ये किस किस्म के वेरिएबल की बात हो रही है, यानी स्पेसिफिकली रेस्ट API के सर्वर पे किस किस्म का वेरिएबल है जो इन्होंने बनाने मना कर दिया। मीनिंग दैट ईच रिक्वेस्ट नीड टू इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोसेसिंग इट। इन अदर वर्ड्स, रेस्ट API डू नॉट रिक्वायर एनी सर्वर साइड सेशंस, सर्वर एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड टू स्टोर एनी डेटा रिलेटेड टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये जो हमने बनाया ना, ये वेरिएबल इन्होंने ये बनाने मना किया, इन्होंने बोला भाई ये वेरिएबल आपने नहीं बनाना है किसी भी हाल में। अच्छा, हमने इसलिए बना लिया है कि हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है। अच्छा, ये वाला जो है ना स्टेट मेंटेन हो रहा है, असल में उन्होंने जो बात की है ना, वो ये वाली बात तो खैर उन्होंने एग्जैक्टली नहीं की है, तो बहरहाल ये भी स्टेट है। ये वाली स्टेट हमने कहाँ पे मेंटेन करनी है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में मेंटेन करनी है। अच्छा, एक और तरह की भी स्टेट हो सकती है कि जी इसको हम कहते हैं सर्वर सेशन, कि कोई बंदा लॉगिन होता है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम सर्वर पे सेव कर लेते हैं कि जी ये बंदा इस वक्त लॉगिन है। तो कह रहे हैं वो भी आपने इधर नहीं करना, वो फ्रंट एंड पे करना है आपने, ठीक है। अब वो फ्रंट एंड पे हम कैसे करते हैं, उस कुकीज़ के ज़रिए करते हैं, ठीक है। जो टोकन, जो भी लॉगिन वगैरह का टोकन होता है, वो कुकीज़ में सेव करते हैं, हर दफ़ा वो आता है यहाँ पे और हर दफ़ा होता है। सर्वर पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बना हुआ होता कि जी यहाँ पे ताकि मैं यूज़र को पहचान लूँ, जब वो आए तो मैं उसको पहचान लूँ, इस तरह की कोई चीज़ हम सर्वर पे नहीं करते। और इस तरह का जो वेरिएबल है वो भी हम सर्वर पे नहीं बनाते, प्रोडक्ट अगर ऐड करनी है तो वो डेटाबेस में ऐड होगी। अच्छा, क्यों इन्होंने मना कर दिया ऐसा करने से, भाई अगर मैं ये वेरिएबल सर्वर पे यहाँ बना लूँ तो क्या मसला है इसमें? नहीं, प्राइवेसी, सर्वर का कोड तो प्राइवेट होता है ना, देख थोड़ी सकता है कोई, मतलब गूगल देख सकता है लेकिन वैसे प्राइवेट होता है। अगर मैं घर पे सर्वर लगा लूँ तो बिल्कुल ही प्राइवेट है, फिर सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, मेमोरी का भी चक्कर नहीं है। अपडेट भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, वेरिएबल है ना, एक नई रिक्वेस्ट आएगी, नया वेरिएबल में डेटा ऐड होगा, हो जाएगा, सब कुछ होगा इसमें, जो जो होता है ना एक डेटाबेस के अंदर, वो सब इसमें होगा। क्वेरी भी लगेगी इस पर, क्वेरी ज़ाहिर है फॉर लूप चला के मैं इस पर तलाश कर लूँगा कौन सा है। अब क्या मसला है इसके अंदर, नंबर वन मसला ये है कि जब भी मेरा सर्वर रीस्टार्ट होता है तो ये वेरिएबल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस वेरिएबल में जो मैंने 2000 प्रोडक्ट ऐड किया, मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो आप डेटा लूज़ कर जाएंगे। अच्छा, फिर अगर आपने कोई लॉगिन हुआ हुआ बंदा, उसका आपने यहाँ पे डेटा सेव किया हुआ है, अच्छा यार ये इतने इतने बंदे लॉगिन है, तो सारे एक ही झटके में लॉग आउट हो जाएंगे जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट। अच्छा, सर्वर रीस्टार्ट कब होगा आपका, कभी भी हो जाएगा। गूगल क्लाउड वाले भी बोलते हैं आपको, हरिको वाले भी बोलते हैं, साइक्लिक वाले भी बोलते हैं, आप 5 मिनट तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी आपका सर्वर हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वैसे कभी भी मेंटेनेंस के लिए हो जाता है, बगैर बताए रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका सर्वर अगर रीस्टार्ट नहीं भी होता है ना, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे बनाया काउंटर, आपने काउंटर ये बनाया कि भाई जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना, कभी भी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप उस काउंटर में +1 करते हैं, उस काउंटर में आप क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो वो मिसाल के तौर पे 200 रिक्वेस्ट आई तो उस काउंटर में 200 होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप कभी गेट करेंगे आपको मिलेगा 100, कभी गेट करेंगे आपको मिलेगा 90, कभी आप गेट करेंगे आपको मिलेगा 50। डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, वो 200 मिलेगा ही नहीं आपको कभी। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं, रीस्टार्ट हुए बगैर भी,
अगर रीस्टार्ट नहीं भी हो रहा तो भी इनकंसिस्टेंट होगा वो डेटा, वो कभी भी आपको कंसिस्टेंट डेटा नहीं देगा। मिसाल के तौर पर जैसे ये प्रोडक्ट है ना, मैंने 200 प्रोडक्ट ऐड कर दी, ऐड करता जा रहा हूँ, अब जब मैं गेट करूँगा ना ऑल प्रोडक्ट तो मुझे 200 पूरा नहीं मिलेगा, मुझे कभी मिलेगा 50, कभी मुझे मिलेगा 80, अच्छा 80 50 अलग और 80 अलग, समझ रहे हो, वो 50 अलग प्रोडक्ट होंगी, 80 प्रोडक्ट अलग मुझे मिल रही है, तो अलग अलग डेटा आ रहा होगा, अजीब सा कुछ फिनोमेना हो जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है? स्पीड का इशू भी हो सकता है, चलो कि भाई इसमें अब वेरिएबल में बहुत ज़्यादा डेटा ऐड हो जाए तो ज़ाहिर है वेरिएबल मेमोरी में होता है तो मेमोरी कंजम्पशन बढ़ेगी, ठीक है स्पीड वगैरह में भी, लेकिन उससे बड़े मसले पहले ही हैं हमारे पास। वो मुख्तलिफ पॉड्स पे कर रहा होता है आपका, जितने भी जो, अच्छा हमने जहाँ पे सर्वर डिप्लॉय किया ना, इसको हम कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये बात बड़े गौर से आपने सुननी है और बड़े गौर से उसको आपने याद रखना है। हमने जो जहाँ पे सर्वर अपना डिप्लॉय किया, इसको हम कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। एक नैनो सर्विस भी होता है। नैनो सर्विस कौन सा होता है? लैम्डा फंक्शन, फायरबेस फंक्शन, नेटलीफाई फंक्शन, ये नैनो सर्विसेज हैं, ठीक है। इसमें एक फंक्शन होता है बस, ये जो हमने बनाया ना ये एक आइटम, ये एक एक फंक्शन होता है, अलग अलग होता है, उसको हम कहते हैं नैनो सर्विस। वो तो हमने वो नहीं किया, हमने किया माइक्रो सर्विस। अच्छा माइक्रो सर्विस के अलावा क्या होता है? एक होता है वो पूरी लिनक्स की मशीन दे देता है, कहता है यार जो करना है आपने इसमें करो, इस लिनक्स की मशीन में, उसको हम कहते हैं कंप्यूट इंजन, कहते हैं गूगल वाले, और AWS वाले उसको कहते हैं EC2। अच्छा एक और चीज़ होती है Kubernetes, वो रेलिवेंट नहीं है अभी, ठीक है। हाँ वेल, हम जो माइक्रो सर्विस जब डिप्लॉय करते हैं ना, उसके बैकएंड पे ना Kubernetes चल रहा होता है हमेशा, यानी पिछले 2-3 साल में ये स्टैंडर्ड हो गया। तो माइक्रो सर्विस जितनी भी हम चलाते हैं उसके पीछे चल रहा होता है Kubernetes। अच्छा Kubernetes के आने से पहले भी ना होता कुछ इसी तरह का था, वो होता ये था कि एक ही मशीन पे 200 सर्वर चल रहे होते थे, जैसे आपने भेजा तो आपका भी उसी पे डाल दिया, बड़ी बड़ी मशीनें 200-300 सर्वर एक ही मशीन पे वो चला रहे होते हैं, तो उनमें से आपका सर्वर एक होगा। अच्छा आपके सर्वर की जब ट्रैफिक बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, आपके सर्वर का एक और इंस्टेंस ना एक दूसरी मशीन पे चला देते हैं। होता पहले भी यही था, Kubernetes के आने के बाद ये ज़रा काम ज़रा स्टैंडर्डाइज हो गया, तो स्क्रिप्ट अब लिखनी नहीं पड़ती, वो पहले से लिखी हुई है, ठीक है। तो Kubernetes के सेटअप में क्या होता है, यार प्यारे बच्चों ज़रा शोर नहीं, खामोशी करो थोड़ी सी। अच्छा तो Kubernetes के सेटअप में क्या होता है कि जी जैसे गूगल के पास 5000 कंप्यूटर हैं, अब उन 5000 कंप्यूटर में से एक बना देते हैं मास्टर, बाकी सबको बना देते हैं स्लेव। जब आप, अच्छा उस मास्टर के पास क्या अथॉरिटी है, अच्छा मास्टर एक भी या दो चार भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मिलके काम जोड़ के देते हैं उसको मिला के। मास्टर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जितने भी स्लेव है ना उनमें से किसी को भी किसी भी वक्त ऑन ऑफ कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ डाल के उसको रन करवा सकता है। अच्छा उसने देखा है यार 5000 कंप्यूटर हैं लेकिन मेरे पास सर्वर जो है वो टोटल 200-300 ही सर्वर है, तो वो उसी हिसाब से 4-5 कंप्यूटर ऑन करेगा, उसी पे चलाएगा, उसी पे ओके कर देगा। अच्छा आपने अब अपना सर्वर डिप्लॉय किया, वो मास्टर को मिलेगा, मास्टर बोलेगा अच्छा यार इसको कंप्यूटर नंबर 3 पे चला दो, नया कंप्यूटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर थोड़ी देर तक आपके रिक्वेस्ट नहीं आई, वो बोलेगा यार ये कंप्यूटर नंबर 3 पे जो ये सर्वर था फलां, इस पे कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, इसको बंद कर दो, बंद कर जाएगा वो, ठीक है। फिर हो सकता है कंप्यूटर नंबर 3 पे सारी सर्वर बंद हो जाए, तो वो बोलेगा इस कंप्यूटर को ही बंद कर दो, शट डाउन पूरा। तो मास्टर के पास ये सारी अथॉरिटी होती है। अच्छा फिर आपने, आपकी रिक्वेस्ट आई, अब आपका सर्वर तो बंद था, अब रिक्वेस्ट आई किसी बंदे की, तो वो क्या करेगा, जल्दी से ना एक कंप्यूटर कोई ऑन हुआ हुआ पहले से उस पर डाल के चला देगा, या कोई नया कंप्यूटर ऑन करके उस पर चला देगा, आपका जो सर्वर था वो दोबारा चला देगा, एक इंस्टेंस उसका चला देगा वो। अच्छा फिर आपके पास ज़्यादा रिक्वेस्ट, अच्छा यही वजह है कि आप गूगल क्लाउड पे जो हमने सर्वर डिप्लॉय किया ना अभी, उसमें आप नोट कीजिएगा कि आप अगर आप दिन में पहली रिक्वेस्ट जो आप करते हैं ना, थोड़ा देर से रिस्पॉन्स आता है उसका, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर बहुत देर तक वो सर्वर चला नहीं है आपका, रिक्वेस्ट नहीं किया आपने, तो जब आप उस पर रिक्वेस्ट करेंगे ना तो पहली दफ़ा में वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, फिर वो उसके बाद सही टाइम लेने लग जाता है, ठीक है। पहली दफ़ा में 4-5 सेकंड भी ले लेता है कभी, अगली दफ़ा से वो फिर 500 मिलीसेकंड में जवाब दे रहा होता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आपका सर्वर असल में पीछे बंद हो चुका होता है। अच्छा अब आपके सर्वर पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग गई जी, 2000, 5000, 10000, 20000 यूज़र आ गए, वो क्या करता है फिर, वो कहता है कि यार अच्छा इस सर्वर का ना एक और इंस्टेंस क्या कर दो, एक दूसरी मशीन पर चला दो, फिर एक दूसरी मशीन पर, फिर एक, तो आपके सर्वर के उसने 20 इंस्टेंस बना दिए, 20 इंस्टेंस अलग अलग बना दिए हैं,
तो 20 इंस्टेंस चलने का क्या मतलब है कि आपका जो ये सर्वर का सॉफ्टवेयर है ना जो एक्सप्रेस का, ये 20 अलग अलग कंप्यूटरों पे इंडिपेंडेंटली चल रहा है। अब जब कोई रिक्वेस्ट आती है ना तो उस पर मास्टर जो है ना, अच्छा मास्टर तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसके बीच में बहुत कुछ होता है, लोड बैलेंसर होता है। तो रिक्वेस्ट जाती है पहले लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर रैंडमली किसी एक पे भेजता है रिक्वेस्ट उन 20 में से, जो उस पर लोड कम हो या लोड, उसका अपना लॉजिक होती है उसकी। अच्छा होता क्या है फिर उसके नतीजे में कि एक दफ़ा आप रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी एक कंप्यूटर पे जाती है, दूसरी दफ़ा करते हैं तो किसी दूसरे पे जाती है। नतीजा क्या होता है, ये जो आपका वेरिएबल बना हुआ है ना, ये वाला, ये 20 अलग अलग कंप्यूटर में 20 अलग अलग चल रहा होता है। काउंटर तो आपने बनाया था एक कि जी 200 रिक्वेस्ट आएगी तो 200 हो जाएगा, लेकिन होता ये नहीं है। अच्छा साइक्लिक की अगर मैं बात करूँ तो साइक्लिक मिनिमम 2 इंस्टेंस बनाता ही बनाता है। अगर मैं गूगल क्लाउड की बात करूँ फ्लेक्स एनवायरनमेंट की, तो मिनिमम 2 इंस्टेंस बनाता ही बनाता है वो। तो कभी भी आपको ये वेरिएबल से डेटा कंसिस्टेंटली नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने कभी भी सर्वर के ऊपर स्टेट मेंटेन नहीं करनी है। स्टेट मेंटेन करेंगे ये वाली गड़बड़ शुरू हो जाएगी। जब तक लोकल कंप्यूटर में चल रहा है जब तक सही चलेगा, जैसे ही क्लाउड पर डिप्लॉय करेंगे पूरी बिजनेस लॉजिक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल है। डिज़ाइन प्रिंसिपल वो होता है कि नहीं भी फॉलो करो तो चल जाएगा, लेकिन ये ऐसा डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसको सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। तो अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपका कोड ही नहीं चलेगा। ठीक है, लोकल पर सही चलेगा, जैसे ही आप क्लाउड पर डिप्लॉय करेंगे तो मर जाएगा। अच्छा कैशेबिलिटी, कैशेबिलिटी की जी बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं। आमतौर पर कैशे के लिए हमें खुद कुछ करना नहीं होता, रेडीज करके एक होता है फ्रेमवर्क, वो अगर आप लगा दें तो ठीक है, नहीं भी लगाएं तो चल जाता है। गूगल क्रोम माशाल्लाह खुद इतना समझदार है कि जितनी इमेजेस वगैरह होती हैं, वीडियोस होती हैं, उसको खुद से कैशे करता है। ठीक है, लेकिन कैशेबिलिटी का चक्कर ये होता है कि सर्वर से जब रिस्पॉन्स भेज रहे होते हैं ना, तो हम उसमें लिख के भेजते हैं कि जी इसको रिस्पॉन्स को कैशे कर लेना। ठीक है, तो ये कैशेबिलिटी है। तो ऐसा रिस्पॉन्स जो हर दफ़ा सेम जाएगा, ऐसी रिक्वेस्ट पे कि हर दफ़ा एक ही रिस्पॉन्स भेजना है, जैसे एक फाइल आपने मंगवानी है सर्वर से, वो हर दफ़ा वही फाइल आएगी, उस रिस्पॉन्स पे कुछ और नहीं जाएगा। तो उसमें आप बोलते हैं भाई कैशे ट्रू, और बता देते हैं कि जी 24 घंटे के लिए करो या 4 दिन के लिए करो। लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर, लेयर्ड सिस्टम में ये कह रहे हैं कि जी आपको ना ये नहीं पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है कैसे जा रही है, आपने बस एग्जॉस्ट के जरिए रिक्वेस्ट कर दी तो हो गया, आप पीछे वो खुद संभालेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी हमें कुछ खुद से नहीं करना, हमें भाई हमें ये तो नहीं करना ना कि अच्छा जी हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर चेक कर रहे हैं कि जी ये कंप्यूटर IBM का है तो IBM में फला नेटवर्क कार्ड होता है और इस नेटवर्क कार्ड में इस तरह रिक्वेस्ट लगती है, ये तो नहीं करना होता ना हमें। रिक्वेस्ट करने का तरीका सेम है, एग्जॉस्ट से करो या फेच से करो, एक ही बात है। ठीक है, पीछे वो खुद ही संभालता है, नेटवर्क कार्ड हर कंप्यूटर में अलग अलग होता है, वो कैसे उस नेटवर्क कार्ड से निकाल के वहाँ तक पहुँचाना है और वहाँ से कैसे वापस लाना है, इसका हमारे से कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए, हम एक सर्टन लेयर पर काम करें, उसके नीचे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद देखेगा। हाँ सॉरी, मैं सवाल तुम्हारा समझा नहीं, तुम पूछ रहे हो बता रहे हो जैमर क्या है ड्राइवर? अच्छा अच्छा तुम्हारा सवाल शायद ये है कि इंटरनेट के जो तारों में डेटा ट्रैवल करता है वो कैसे कर रहा होता है, बाइनरी में करता है वो। इंटरनेट का जो डेटा होता है वो तारों में जो ट्रैवल करता है वो बाइनरी में करता है। हाँ वो कंप्यूटर में जो तार से आप कनेक्ट करें या फाइबर से कनेक्ट करें तो डेटा ट्रैवल करता है बाइनरी में आपका। ठीक है, जैसे अगर मैं मिसाल देके समझाऊं कि जो है ना, अच्छा प्यारे बच्चों आपके टीचर आ चुके हैं, अच्छा तुम पढ़ा रहे हो, अच्छा गुड यार, चलो अभी हम ख़त्म करते हैं, 2 मिनट दें यार बस मुझे। तो यार जब भी आप इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करते हैं ना कहीं से भी, तो तार के अंदर तो जेसन थोड़ी जाता है, तारों के अंदर जेसन तो नहीं जा सकता, तो तारों में क्या जाता है, तारों में जाता है 01। अब वो एक मेरा सेशन है, वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे वो डला हुआ है कि हाउ डेटा गेट सेव्ड इन रैम मेमोरी, उसका ऐसे टाइटल होगा हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डेटा इज़ गेटिंग सेव्ड इन रैम मेमोरी। मे बी हम यहाँ पे भी अगर टाइम मिल गया तो वो सेशन हम ज़रा यहाँ पे भी कर लेंगे कि कैसे डेटा सेव होता है मेमोरी में। अच्छा तो वो उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो वो कोई भी डेटा होता है ना, चाहे वो ऑडियो चाहे वो वीडियो चाहे वो जेसन हो चाहे वो नंबर हो स्ट्रिंग हो, वो सारा का सारा बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद जो तार होती है ना उसके अंदर वोल्टेज हाई लो वोल्टेज चल रहा होता है। सही है, आप इमेजिन करें कि जब मैं ऐसे दबा रहा हूँ ना तो ये इसका मतलब है वोल्टेज, इसका मतलब है कि मैंने बंद कर दिया। तो स्विच ऑन ऑफ करते हैं आप तो जैसे बत्ती ऑन ऑफ होती है ना,
ये वाला हिसाब किताब है। तो वो तार जो होती है ना इंटरनेट की, उसमें क्या होता है वोल्टेज ऐसे टक 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 वोल्टेज आना जाना कर रहा होता है, और हाँ वो पल्स होती है, तो वो पल्स बाइनरी में उसको ट्रांसक्राइब करता है, वो जहाँ पे भी पहुँचना होता है वहाँ पहुँचे। तो फाइबर में भी इसी तरह होता है, लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है, तो लाइट का ऑन होना वन कंसिडर होता है, ऑफ होना जीरो होता है। तो बाइनरी यहाँ से लेके वहाँ तक बाइनरी भेजता है, अब जहाँ से बाइनरी बना के भेजते हैं वहाँ से बाइनरी को वापस जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, इन्होंने बोला ये क्या होना चाहिए, लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए, आप एक सर्टन लेयर पे काम करें, ये बाइनरी बनाना बनाना ये आप दूसरे लेयर को देंगे ये काम। नहीं, एमवीसी की बात नहीं हो रही, दोबारा इसको हम पढ़ लेते हैं। REST API इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स गो थ्रू अ डिफरेंट लेयर। एज अ रूल ऑफ थंब यू एज्यूम द क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन कनेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर। देयर मे बी नंबर ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज इन द कम्युनिकेशन लूप। कह रहे हैं कि आप जब सर्वर से कनेक्ट करें ना, तो आपके क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ होगा, समझ लो। जैसे वेदर ऐप आपने बनाई, आपने URL हिट किया, तो आपको तो ये लग रहा है ना कि URL हिट कर रहा हूँ, डायरेक्ट सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है और डायरेक्ट वापस आ रही है। लेकिन इंटरमीडिएट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि क्या हो सकता है जी, कि वो एक तो वो सारा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस और वो तारों से गुजरने का प्रोसेस, फिर उसके अलावा यहाँ से रिक्वेस्ट निकल के पहले जाती है राउटर में, राउटर से जाती है DNS में, DNS से फिर इंटरमीडिएटरी बहुत सारे होते हैं, प्रॉक्सीज हो सकती हैं। जैसे इस बिल्डिंग में एक फायरवॉल लगा हुआ है, उस फायरवॉल से तो गुजर के जाएगी ना रिक्वेस्ट, उसके बगैर गुजरे तो जा ही नहीं सकती, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो आपकी मैं नॉलेज में भी इजाफा कर दूं, यहाँ जितने भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ का वाईफाई, यहाँ के वाईफाई से जो भी रिक्वेस्ट जाती है उसका एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है यहाँ पे, एक इन्होंने कंप्यूटर ऊपर लगाया हुआ है जिसको हम फायरवॉल कहते हैं प्यार से, किसी को अगर नहीं पता है तो फायरवॉल अलग से ज़रा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे फायरवॉल एक लगा हुआ है, उससे रिक्वेस्ट गुजर के ही जाएगी हर हाल में, हर बिल्डिंग में होता है तकरीबन, जितने भी हर इदारे में फायरवॉल लगा होता है। उसके अलावा फिर प्रॉक्सीज हो सकती हैं, प्रॉक्सीज हो सकती हैं कि जी अब यहाँ से जैसे PTCL का इंटरनेट पीछे लगा हुआ है, तो जी आपको तो स्ट्रॉन्ग फाइबर मिला हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग फाइबर से PTCL पे और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से होता हुआ जाता है वो, तो बीच में इस तरह के प्रॉक्सीज हो सकती हैं। कोई जैसे आप VPN भी इस्तेमाल करते हैं, VPN हो सकता है बीच में, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। लेकिन आपको एप्लीकेशन लेवल पर ये पता नहीं चलता, आपको लगता है मैंने URL हिट किया डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ गया, तो ये वो वाली बात इसने की है, ठीक है। और इसने लास्ट में एक जुमला क्या लिख दिया कि जी REST API need to be designed so that neither the client nor the server can tell whether it communicates with the end application or intermediary application। अच्छा, इसमें ना Redis की भी बात आ गई है। Redis क्या चीज़ होता है कि सर्वर के साथ ये चीज़ लग जाती है, रिक्वेस्ट पहले Redis पे जाती है फिर आगे जाती है। लोड बैलेंसर की अगर हम बात करें तो उस पर भी ये होता है कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर पर डायरेक्ट नहीं पहुँचती, लोड बैलेंसर से होके जाती है। तो वो कह रहा है कि लेकिन ना ये पता नहीं चलना चाहिए, सर्वर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि रिक्वेस्ट आई कहाँ से, सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचे उसको डायरेक्ट रिक्वेस्ट मिलनी चाहिए, सर्वर को ये नहीं पता चलना चाहिए अच्छा ये लोड बैलेंसर से आ रही है या VPN से आ रही है, ये नहीं होना चाहिए, सर्वर को डायरेक्ट वो रिक्वेस्ट रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, टेक्निक्स तो हैं ये पता लगाने की कि वो रिक्वेस्ट VPN से हो के आ रही है, टेक्निक्स तो मौजूद हैं, ज़ाहिर है सिक्योरिटी के वो सारे फ्रेमवर्क हैं वो चलते ही इन्हीं चीज़ों पे हैं कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। लेकिन वो एक हाई लेवल पे बात कर रहे हैं कि जी हाई लेवल पे ना ये चीज़ें आपको पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा जी, तो हमने जो है ना आज करड हमारा पूरा नहीं हो पाया आज, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वेल, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ लिया कि जी REST API के एक तो प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हमने, इंटरनेट काम कैसे करता है, API क्या होती है, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और इसको वेरिएबल के ज़रिए हम, ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है बना हुआ, इस वेरिएबल के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक CRUD ऑपरेशन बनाएंगे। CRUD ऑपरेशन का मतलब क्या, एक नई प्रोडक्ट ऐड करना, पुरानी को रिमूव करना, ये चार ऑपरेशन जो ये चारों करेंगे हम। उसके बाद इस वेरिएबल की जगह पे हम क्या कर देंगे, MongoDB का डेटाबेस अटैच कर देंगे ताकि हमारा स्टेट फिर MongoDB में कनेक्ट हो रहा, ठीक है। हाँ हाँ, स्टेट लेस फिर हम कर देंगे अपने सर्वर को, और उस पॉइंट पर हमारा जी हाँ, दोनों दो, एक रिक्वेस्ट आगे चली जाए तो दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो, यही तो बात है उसकी असल में, यही वाली तो बात है, ठीक है। वंस हम इस पर MongoDB कनेक्ट कर लेंगे, MongoDB पे क्रैड हो जाएगा हमारा, ये Node.js कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।